आगे बढ़ने रहा बात करें, अमरीकी सफीर डोनाल्ड डूम ने कराची, ठट्ठा और जामशोरों समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया है और अमरीकी तआवुन से जारी मंसूबों का जायजा लिया। अमरीकी सफीर ने कहा कि दौरे का मकसद पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी और तआवुन को उजागर कर रहा है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड डूम ने कराची, ठट्ठा और जामशोरों समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया है और अमरीकी तआवुन से जारी मंसूबों का जायजा लिया। अमरीकी सफीर ने कहा कि दौरे का मकसद पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी और तआवुन को उजागर करना है। अमरीकी सफीर ने अमरीका मामला से जारी मंसूबों का जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सोनिया खानजादा से। जी सोनिया, आगाह कीजिए। जी शुक्रिया। आपको बताएं कि अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया है उन्होंने, जिसमें ठट्टा, जमपीर और जामशोरों के जो इलाके हैं वो शामिल हैं। साथ ही अमरीकी सफीर ने अमरीकी मामलत से जो है वो जारी जितने भी मनसूबे उनका जायजा लिया है और पानी और माहौलियात जैसी बेसिकली चीज़ों को जो है उनके साथ ताउन करने का आधे का इजहार किया है। साथ ही सिंध वापस आने पर जो है वो मुसरत का इजहार करते हुए दिखाई दिए। दौरे का मकसद जो था वो खत्ते में अमरीकी सरमायाकारी और पाकिस्तान के साथ ताउन को मजीद उजागर करना था, जबकि डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के माशी जरूरियात को पूरा करने में जो है वो मदद फराहम करेगा और ये जो दौरे हैं ये इनका सिलसिला जो है मजीद आगे भी जारी रहेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया सोनिया खानजादा।